आप सभी का स्वागत है मैं सभी का वेलकम हूँ और, और तीस साल से अपना पार्लर को चला रही हूँ लाइफ की जर्नी की बात करूँ तो लाइफ में आ, हर फेस्टिवल में हम बिजी होते हैं ना ही कभी टाइम मिला फैमिली के साथ फेस्टिवल मनाने के लिए ना ही आ, इतनी अर्निंग हुई कि हमारे कुछ सपने पूरे कर सके क्योंकि मुझे बचपन से ही बड़े बड़े सपने देखने देखा करती हूँ लेकिन परमात्मा का शुक्रिया करती हूं कि मुझे मोदी केयर मिल गया और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सब सपने पूरे हो जाएंगे और एक बहुत बड़ा सपना है जो मुझे इतिहास रचना है और वो मोदी केयर से जरूर पूरा होगा और इसी के साथ हमारे बीच आज का जो सेशन है इसमें मार्च मंथ की ऑफर एंड प्रोमोशन के बारे में बताने के लिए आ रहे हैं हमारे साथ आ चुके हैं हमारे ग्रेट ट्रेनर मिस्टर हरीश शर्मा जी तो आप सभी के uh, सहयोग से मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी तो ओवर टू यू सर हरीश शर्मा जी आपका वेलकम है थैंक यू थैंक यू शिवलता मैम थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स

आने का का मौका मौका मिलता मिलता है, है। इस टीम के साथ जुड़ने मैं क्योंकि जब भी आप ऐसे लोगों से मिलते हो जो बहुत मोटिवेटेड होते हैं, होते हैं जिन, जिनको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है उन्हें सिर्फ एक डायरेक्शन की जरूरत है और जैसे ही उनको वो डायरेक्शन मिलती है वो उस डायरेक्शन की तरफ चलकर अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं और मैंने ये स्पेशली इस टीम में देखा है जोश की कोई कमी नहीं एनर्जी की कोई कमी नहीं क्योंकि अगर जब भी हमारे अंदर भी जोश कम हो जाए हमारे अंदर अगर हम एनर्जी डाउन फील करें हम तो मुनीष चोपड़ा सर को कॉल कर लेते हैं और जैसे ही हम सर से बात करते हैं सर के गुड गुड मोर्ग एंड मॉर्निंग बोलने से ही हमारा एनर्जी लेवल कई गुना बढ़ जाता है और एक ऐसी शख्सियत जिसको हमने ग्रो करते हुए देखा है हमें पता है उन्होंने हम सबके लिए एक ऐसा पाथ बना दिया है जिस पर अगर हम हम भी चलना स्टार्ट स्टार्ट कर कर दें दें हमें हम हम सिर्फ उनको हम सिर्फ उनको ऑब्जर्व करना उनके पाथ पर चलना स्टार्ट कर दें हम भी उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जिस मुकाम पर आज वो खुद खड़े हैं तो मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए हमारे ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर एंड समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल मिस्टर मुनि चोपड़ा जी के लिए सो so, जैसे आप मैम ने बताया कि आज एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है जो मैंने बनाई है एंड मैं उसको शेयरिंग करता हूं आपके साथ मार्च uh, मंथ बहुत इंपॉर्टेंट मंथ होता है हमारे लिए uh, इसको इसलिए इंपॉर्टेंट कहा जाता है uh, अगर आप अपने बच्चों को देखे या आपने खुद को भी देखा होगा हम देखते हैं कि जैसे हमारा पूरा साल हम पूरी मेहनत करते हैं पढ़ाई करते हैं मार्च में हम अपना एग्जाम देते हैं और अप्रैल में हम वेट करते हैं अपने उन अंकों का क्योंकि वो अंक जैसे ही हमारे फ्लैश होते हैं वो हमारे को बताते हैं कि हमने पूरे साल कितनी मेहनत की ठीक इसी तरीके से अगर आप फाइनेंस सेक्टर में देखें तो एक कैलेंडर मंथ होता है जो अप्रैल टू मार्च चलता है और लोग जो भी फाइनेंस ने किया होगा वो मार्च में बहुत बढ़िया क्लोजिंग करने की कोशिश करेगा क्योंकि वो जानता है जितनी अच्छी उसकी क्लोजिंग हो जाएगी मार्च की उसका अप्रैल उतना ही बेटर स्टार्ट होगा अगले साल का ठीक इसी तरीके से मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो लोग गोल ओरिएंटेड होते हैं सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं प्लान होते हैं वो भी हर साल का अपना फाइनेंशियल कैलेंडर के मुताबिक अपने साल को अपने गोल को प्लान करते हैं और अगर उनका गोल में कोई भी चीज की रुकावट आ जाए तो वो क्या करते हैं मार्च में उस गोल को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो गोल कंप्लीट हो जाए और जैसे ही मार्च अप्रैल 2022 आए तो वो अपने नया गोल बना लें एक नया टारगेट दे दें दे अपने आप को तो मुझे पूरी उम्मीद है हम मोदी किरण भी वैसे ही हम भी मार्च पे चांस मारने वाले हैं हम भी चाहते हैं कि जो हमारा गोल है जो भी मैंने टारगेट बनाया हुआ है मैं उसको मार्च में जरूर अचीव करूंगा और जैसे ही मैं उसको अचीव करूंगा मुझे पता है वो मुझे फायदा पहुंचाएगा अप्रैल नौ तारीख को और जैसे ही नौ तारीख अप्रैल को मेरे अकाउंट में वो अमाउंट आएगा और जो गोल मैंने बनाया था मैं उस गोल को अचीव करूंगा अप्रैल में ही देखिएगा आप तुरंत अपना नया गोल बना लेंगे 2022 से लेके 2023 तक का ये एक बिग अपॉर्चुनिटी है इसको आप जितना अच्छी तरह से डेवलप कर पाओ इसको जितना ज्यादा अपने बिहेवियर के अंदर आप डाल पाओ आप देखोगे आप अपने अंदर एक प्रोग्रेस फील करोगे यही बार बार आपकी अप्लाइंग मोदी केयर मैनेजमेंट आपके ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर एडवाइजरी काउंसिल मेंबर बार-बार इस बिहेवियर के ऊपर बात भी करते हैं और जिन्होंने भी इस बिहेवियर के ऊपर काम किया है मैं बार-बार कहता हूं जिसकी टीम बड़ी होगी वो बड़ा रुपया कमाएगा और जिसकी टीम छोटी होगी वो छोटा रुपया कमाएगा हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत रिचेस्ट व्यक्ति है उसका नाम था मुकेश अंबानी वो हिंदुस्तान का नहीं वर्ल्ड में टॉप 10 में आता था बट आजकल 2022 में हम एक नए व्यक्ति का नाम सुन रहे हैं उसका नाम है अडानी वो इस टाइम हिंदुस्तान का नंबर वन बिलीनियर है और वर्ल्ड में टॉप फाइव में आता है कमाल की बात ये देखिए वो इतना बड़ा बिलीनियर बन गया क्यों क्योंकि उसने मुकेश अंबानी से बड़ी टीम बना ली और ये बिहेवियर ये रूल हर जगह इंप्लीमेंट होता है आप भी बड़ा रुपया कमाना चाहते हैं तो हम भी इस बिहेवियर के ऊपर काम कर लेते हैं एक गोल बनाते हैं बिना गोल विदाउट डायरेक्शन हम कोई भी चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे ऑलवेज वेरी क्लियर अगर आप जितने ज्यादा प्लान होंगे जितने गोल ओरिएंटेड होंगे आपको पता होना चाहिए वाई आर यू इन मोदी केयर आप मोदी केयर क्यों कर रहे हैं बहुत सारे लोग मोदी केयर में कर रहे हैं कर रहे हैं चल रहे हैं मोदी केयर में बट क्यों चल रहे हैं क्या करना चाहते हैं दे डोंट नो पर जिनको पता है कि मैं मोदी क्यों कर रहा हूं जैसे अभी आ, मैं मैम मैम को सुन रहा था तो मैम ने कहा उनका एक ड्रीम है कि वो अपनी लाइफ को बेटर बना सके वो सारे फाइनेंशियल फ्रीडम उनको मिले ताकि वो अपने गोल को पूरा कर सके तो ये पता होना चाहिए हम मोदी कर कर क्यों रहे हैं हम यहां पे क्यों समय लगा रहे हैं क्योंकि मेरे टाइम की वैल्यू है और अगर मैं टाइम दे रहा हूं मैं स्किल को शार्प कर रहा हूं मैं सीख रहा हूं तो मैं उस चीज को अचीव भी करना चाहूंगा जिस मकसद से मैं मोदी में आया हूं इसके लिए बहुत जरूरी है एक रीजन रीजन को फाइंड करना आपके पास वो होना चाहिए सुबह उठकर मैं तैयार होता हूं अपनी जॉब पे जाता हूं उसका एक रीजन है मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता कि नहीं मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा मुझे रीजन पता है क्योंकि मैं जाऊंगा तो मुझे सैलरी मिलेगी और वो सैलरी मेरे घर के खर्चे उठाएगी मेरे ड्रीम्स को पूरा करने में मदद करेगी एक बिजनेसमैन इसलिए डेली शॉप खोलता है वो बिजनेसमैन है नहीं भी जाएगा क्या फर्क पड़ता है पर वो फिर भी जाता है क्योंकि उसे पता है, है इसीलिए जब हम भी मोदी केयर कर रहे हैं मेरे पास गोल है मेरे पास मैं मोदी केयर क्यों कर रहा हूं मेरे पास वो रीजन भी होना चाहिए बहुत जरूरी है। जब आप एक रीजन ढूंढ लेंगे आप देखेंगे जब भी वो रीजन आपके जहन में आएगा आप अपनी चेयर पे नहीं बैठेंगे वो आपको आपके आपको आपके कंफर्ट जोन जोन से उठाकर अनकंफर्ट में डाल देगा और जैसे ही हम अपने अनकंफर्ट जोन में जाते हैं फिर वो हमें दौड़ने में मजबूर कर देगा फिर मैं ये नहीं कहूंगा कि बाहर बारिश हो रही है धूप हो रही है या कल जाएंगे अपने प्रोस्पेक्ट से मिलने या मैं कल जाऊंगा अपने कंसल्टेंट से मिलने या कल मैं कल जाऊंगा अपने लीडर से मिलने नो क्योंकि जैसे ही मेरे जहन में मेरा वो रीजन आएगा वो मुझे मेरे बेड से उठा देगा मेरे को मेरे चेयर से उठा देगा तो वो रीजन प्लीज फाइंड आउट कीजिए ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सके विल इज नॉट एवरीथिंग इच्छा सब कुछ नहीं होती अगर इच्छा यानी कि सिर्फ हम इच्छा करने से अगर हमें सब कुछ मिल जाता फिर तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती हम सब पैसा कमाना चाहते हैं हम सब ग्रो होना करना चाहते हैं हम सब अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं हम अपने ड्रीम्स को कम ट्रू करना चाहते हैं पर इच्छा से तो नहीं होगा सिर्फ मांगने से तो नहीं होगा हमें उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने स्किल्स को डेवलप भी करना पड़ेगा शार्प करना पड़ेगा सीखना पड़ेगा अगर कोई हमें सिखाने के लिए तैयार है तो हमें भी सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा और जो आपने सीख लिया है फिर हमें उसको लगातार उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जब हम ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे हमारे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है हम लगातार कर रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है फिर आप देखिएगा आपके अंदर एक नया एक न्यू और आपका क्रिएट होगा वो और एक ऐसा और होता है जब हम लोगों को प्रभावित करना स्टार्ट कर देते हैं इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देते हैं में, ऐसे में ऐसी बहुत सारी पर्सनालिटीज हैं बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी पर्सनालिटीज हैं वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे रिलन हैं पर बहुत कम है क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी इच्छा पे नहीं अपने स्किल्स को डेवलप करने में टाइम लगाते हैं जो जो स्किल उन्होंने सीख लिए हैं उनको उन पे प्रैक्टिस करने पर समय लगाते और फिर वो पैसे के लिए नहीं भागते पैसा उनके पीछे भागता है मोदी में मिस्टर चोपड़ा उनमें से एक हैं डॉक्टर शक्ति जी उसमें से से एक एक हैं हैं सिंह साहब उनमें सुरेखा भार्गव जी उनमें से एक हैं मिस्टर तरुण जी से तो आप ऐसे अनेकों मोदी में लाखों लोगों को आप ऐसे पाएंगे जिन्होंने अपने डेवलप स्किल डेवलप किए प्रैक्टिस की और आज जब वो स्टेज पर खड़े हो जाते हैं एक मैग्नेट लगते हैं एक और इतना पॉजिटिव हो जाता है ऐसा लगता है इनको सुनते रहे क्योंकि वो क्या बन जाते हैं इन्फ्लुएंसर यही मौका आपके पास भी है आपकी अपलाइन समय निकालकर अपने स्किल जो उन्होंने सीखे हैं आपको सिखा रही है सीखिए उनसे प्रैक्टिस कीजिए उस पर और इन्फ्लुएंसर बनिए मोदी केयर को 26 साल हो गए 26 साल में हम देख रहे हैं मोदी ने कितनी तरीके से अपने आप को ग्रो किया है कितना इंप्रूव किया है मेरा मानना यह है जब कभी ऑफर आती है हम भी इसमें दो तीन चीजें फैक्टर को देखें देखो दो तीन दो मौके तो सबके पास हैं कंज्यूमर बनना वो आपके पास भी मौका वो मेरे पास भी हम जाएं अपने लिए खरीदें वेरी गुड एक्सीलेंट

समझाऊंगा तो डेमो करने में मेरी मदद करेगा मेरी सेल को बढ़ाएगा मेरी टीम को बढ़ाएगा तो जब प्रमोशन आती है प्रमोशन को हमेशा ग्रैप करने की कोशिश कीजिए तो ये जो इनवायो चीफ ग्लोब है आप सब जानते हैं मोदी केयर का हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है हर किसी की जरूरत है तो इस अपॉर्चुनिटी को जरूर ग्रैप कीजिए मोदी केयर को 26 साल हो गए हैं और 26 सालों में मोदी केयर ने एक कैटेगरी को बहुत इंप्रूव किया है दैट इज कॉल्ड एग्री धमाका प्रमोशन हम पंजाब में रहते हैं ये हमारे को एक और प्राउड सिचुएशन है हमारे लिए प्राउड मूवमेंट है हमारे लिए क्योंकि पंजाब हरियाणा जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल ये सब हमारे आसपास एरिया है और ये सारा एग्रीकल्चर एरिया है मैं आपको बताता हूं कि मोदी केयर में एक लीडर है जो तीन साल पहले मोदी केयर में आए थे उन्होंने मोदी केयर में तो चौ के कैटेगरीज हैं बट उन्होंने तेरह कैटेगरीज नहीं पकड़ी उन्होंने उसमें से दो एक कैटेगरी पकड़ी जिसको हम बोलते हैं एग्री धमाका और एक आउट कर डिस्ट्रीब्यूशनिटी तीन सालों में उन्होंने सिर्फ इन्हीं दो पे काम किया एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट होता क्या है जब आप दो चीजों को पकड़ते हैं तो बाकी चीजें तो अपने आप उसमें चल पड़ती हैं उन्होंने इन दोनों चीजों को पकड़ के काम किया फायदा क्या हुआ तीन साल कंप्लीट होने पर वो लीडर मोदी कैर में ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बन गए और महीने का दस लाख रुपए कमाते हैं साउथ के लीडर हैं सो so, आप भी अपने लिए वो अपॉर्चुनिटी ढूंढिए अपॉर्चुनिटी यहीं पर ही है सारी आपको सिर्फ अपने लिए किस पर आपने काम करना है कौन सी अपॉर्चुनिटी पर आप ग्रैप करना चाहते हैं यू हैव टू फाइंड इट प्रोडक्ट बहुत है सात सौ प्रोडक्ट ऑलरेडी है और मैं आपको बता दू बहुत सारी कैटेगरीज अभी आने वाली है सबसे बड़ी बात मोदी केयर के साथ एक अच्छी चीज ये है कि मोदी केयर को पता है उसने करना क्या है बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि करना क्या है मोदी केयर अभी 2000 करोड़ की कंपनी है और 2025 में मोदी केयर 5000 करोड़ कंपनी बनने का टारगेट रखी बैठी हुई है और ये टारगेट कौन करेगा ओब्बियसली हमारे लीडर्स हमारे कंसल्टेंट करेंगे सारा बिजनेस और जब हमारे कंसल्टेंट सारा बिजनेस करेंगे तो पैसा कौन कमाएगा हमारा कंसल्टेंट कमाएगा हमारा लीडर कमाएगा और मोदी क्या किया है जब पांच हजार करोड़ का टारगेट बनाया है बिजन बनाया है तो ऐसा नहीं सिर्फ आपको टारगेट करोड़ हमने बता दिया कंपनी ने उसका पूरा एक रोड मैप बनाया हुँ. उस रोड मैप को तैयार किया है आपको सिर्फ उस रोड पे चलना है और उनमें से एक कैटेगरी एग्री धमाका भी है हम सब जानते हैं कोविड का सिचुएशन है इस टाइम कोविड टाइम है और कोविड कम हुआ है गया नहीं है पर कोविड के आने से बहुत सारी चीजें अच्छी हुई हैं बहुत सारी चीजें बुरी भी हुई हैं बट बहुत सारी चीजें अच्छी भी हुई हैं अच्छी ये हुई आज आप देखिए मैं आपके सामने जूम में सेशन कर रहा हूं अदरवाइज नॉर्मली हम फिजिकली मिल पाते दूसरा अगर मैं फिजिकल मीटिंग कर रहा होता तो सिर्फ अमृतसर या पंजाब या हरियाणा जम्मू कश्मीर के लोगों से मिल पाता आज मैं मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान को इस सेशन में देख पा रहा हूं ये एक फायदा दे गया और दूसरा फायदा और दे गया हमें दूसरा फायदा दे गया हमें मास्क लगाने की एक आदत डाल दी मैंने देखा जब मास्क लगाने की आदत डाली बहुत सारे लोग जो पहले सीजन चेंज होता था बीमार हो जाते थे आज मैं देख रहा हूं वो लोग बीमार नहीं हो रहे क्योंकि वो मास्क लगा रहे हैं तो पोल्यूशन से दूर हैं कई कई और कई रीजन से और दूसरी चीज जो एक बहुत अच्छी आदत हमारे को इस टाइम देगी कि जब भी हम किसी से मिलते हैं किसी से भी हम हाथ मिलाते हैं हम है, हैंड वॉश कर लेते हैं और अगर हैंड वॉश ना कर पाए तो हम सैनिटाइजर लगा लेते हैं हैं हम अपने बच्चों में भी ये हैबिट देख रहे हैं। अब तो स्कूल खुल गए बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो ये जरूरी है कि मेरे स्कूल में मेरे बच्चे के बैग में सैनिटाइजर होना चाहिए ये जरूरी है कि अगर मैं घर से बाहर जा रहा हूं मेरी पॉकेट में सैनिटाइजर होना चाहिए हमें एक अच्छी हैबिट मिली है एक अच्छी आदत हमारे अंदर डेवलप हुई है, है। तो उसको छोड़ना नहीं है। और मोदी हमारे लिए ये एक और सुनहरा मौका दे दिया है अगर आप सैनिटाइजर मोदी केयर का खरीदते हैं प्योर तो आपको थर्टी फाइव परसेंट एक्स्ट्रा बीबी मिलेगा यानी सिक्सटी परसेंट बीबी मिलेगा एक, एक तो मुझे मदद मिल रही है लोगों के हैबिट को बनाए रखने में तो मैं एक कल्चर पे काम कर रहा हूं एक बिहेवियर पे काम कर रहा हूं दूसरा मैं इस बिहेवियर को बनाने में अपने बिजनेस को भी डेवलप कर रहा हूं और ज्यादा बीबी ले रहा हूं तो अगर ऐसी प्रमोशन मिल रही है छोड़िए मत अपॉर्चुनिटी है लोग अगर आपके पास दो हैं तो एक लोग खरीदने के लिए आपसे तैयार बैठे हुए हैं बट जब आपके पास होगा तभी आप लोगों को दे पाओगे क्योंकि जब होगा तो बात कर पाऊंगा जब बात करूंगा तो बेच भी दूंगा वुमेन इंटरनेशनल डे आठ मार्च को हम सब जानते हैं कि है। मोदी काम करता है और अभी मोदी को अपनी सभी वुमेन्स डे Women, को सेलिब्रेट भी कर रहा है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज भी हमने प्लान की है। आप जरूर उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा पर मोदी केयर हमेशा वुमेन्स को इम्पावर्ड करने में उनको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने में उनको अपने पैरों पे खड़े होने में अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने में हमेशा अहम भूमिका अदा करता है और उनमें से एक हमारा प्रोडक्ट है अर्बन कलर, जिसके ऊपर मोदी एक बेहतरीन ऑफर भी दी हुई है यानी कि अगर कोई भी कंसल्टेंट वन फाइव डबल नाइन के प्रोडक्ट डीपी प्राइस के प्रोडक्ट अगर खरीद खरित, खरीदते हैं तो उनको एक रुपए में मात्र एक रुपए में एक फूटे फेयरलेस जेल और एक फूटे फेस पैक ये दोनों मात्र एक रुपए में मिल जाएगा ऑफर इकतीस मार्च तक है ये मैंने एक स्लाइड लगाई है मैंने ऐसी पूरी पीडीएफ आप जिसमें अनेकों ऑफर है अर्बन कलर के ऊपर मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है तो मौका है एक इंटरप्रन्योर माइंडसेट से सोचिए एक बिजनेस माइंडसेट से सोचिए क्योंकि मुझे पता है अगर मेरी वाइफ काजल लगाती है तो पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारी फीमेल हैं बहुत सारी गर्ल्स हैं बहुत सारी लेडीज हैं जो काजल लगाती हैं बट हम ये अपॉर्चुनिटी एज ए कंज्यूमर ना सोचें, एज एंटरप्रीन्योर सोचें एक बेहतरीन प्रोडक्ट जो मोदी है जिसको नाम है कुकू एयर प्यूरिफायर। मोदी सबसे हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है राइस ब्रांड मस्टर्ड ऑयल और दूसरा हमारा जो हाईएस्ट प्रोडक्ट है वो है राइस ब्रांड ऑयल और तीसरा हमारा सबसे हाईएस्ट प्रोडक्ट है कुकू एयर प्योरीफायर लेडीज एंड जेडमैन कुकू एयर प्यूरिफायर हिंदुस्तान का फ्यूचर है आज नहीं तो कल ये हर किसी घर के अंदर आपको मिलेगा क्योंकि जिस तरीके से पॉल्यूशन रेट बढ़ रहा है जिस तरीके से बीमारियां बढ़ रही हैं अगर हम सचमुच चाहते हैं हमारे घर में कोई बीमार ना हो हम सचमुच चाहते हैं हमारे घर में कोई भी अस्तमय का पेशेंट ना रहे तो ये हमारे घर में बहुत जरूरी है बट इसके बारे में आपको लोगों को बताना पड़ेगा अवेयर करना पड़ेगा जैसे आज हमारे घर में बिना वॉटर प्यूरिफायर का घर नहीं रहता ठीक उसी तरीके से आने वाले टाइम में बिना कुकू एयर प्यिफायर का हमारा घर नहीं रहेगा क्योंकि हमारे घर में स्वच्छ हवा की सख्त जरूरत है और मोदी कहने इसके ऊपर आपको जहां पहले 50 प्रतिशत बीबी मिलता था अभी मार्च में आपको 10 परसेंट एक्स्ट्रा बीबी दे रहा है यानी कि 60 परसेंट बीबी दे रहा है और साथ ही साथ आपको फिर मैं वही को बोलूंगा बिजनेसमैन बनिए बिजनेस माइंडसेट रखिए मोदी केयर इस एयर प्योरिफायर के ऊपर जहां दस परसेंट एक्स्ट्रा बीबी दे रहा है यानी सिक्सटी परसेंट बीबी दे रहा है वहीं आपको एक वेल विटामिन डी थ्री एक विटामिन डी कॉम्प्लेक्स और एक विटामिन वेल इंटेक्ट इंटेलेक्टेड आपको ये तीनों मात्र एक रुपए में दे रहा है आप डेमो ज्यादा कर सकते हैं डेमो ज्यादा करेंगे तो आप प्रोडक्ट ज्यादा सेल कर सकते हैं आप लोगों को इन प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा बता सकते हैं ज्यादा अवेयर कर सकते हैं तो मौका है हमारे पास साथ ही साथ मोदी केयर क्योंकि 26 साल मोदी केयर को हो गए हैं और 26 सालों में मोदी केयर ने ऐसी प्रमोशन पहले कभी नहीं निकाली पहली बार मोदी केयर ने ऐसी प्रमोशन निकाली है आइए इस प्रमोशन के बारे में जान लेते हैं। पहला प्रमोशन है एक्टिवाइजेशन बोनस यानी कि जो भी मार्च मंथ में और ये एक्टिवाइजेशन बोनस में दो प्रतिशत पूल है यानी कि कंपनी का जो टोटल टर्नओवर होगा बीबी -बी का उसमें से दो प्रतिशत बीबी निकालकर इस पूल में डाल दिया जाएगा जाएगा कौन कौन इस पूल के अंदर इस पूल के अंदर सात परसेंटर जा सकता है दस परसेंटर जा सकता है

पूल के अंदर जाने का क्राइटेरिया कहता है कि आपको क्या करना है आपको अपना 1350 बीबी करना है अपने नीचे एक न्यू ज्वाइनिंग लगानी है डायरेक्ट उसका 1350 बीबी करना है और इसका केवाईसी करना बहुत जरूरी है इसका भी और इसका भी अगर आप यह क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं तो आप इस दो परसेंट पूल में जा सकते हैं जैसे ही आप इस दो परसेंट पूल में जाएंगे तो उसकी एक वैल्यू निकल कर अब जरूरी नहीं है कोई एक ज्वाइनिंग लगाए कोई दो ज्वाइनिंग भी लगा सकता है तो जैसे ही आप अपने डायरेक्ट दूसरी ज्वाइनिंग लगाएंगे सात परसेंट से लेकर क्वालिफाइड डायरेक्टर तक का कंसल्टेंट अगर अपने नीचे दूसरी ज्वाइनिंग लगाते हैं और उसका भी तेरह सौ पचास बीबी करते, करते हैं तो आपको कंपनी क्योंकि डायरेक्ट दो ज्वाइनिंग लगाकर मैक्सिम अपटून रुपीज तक ले सकते हैं तो मौका है लोगों को स्पॉन्सर करने पे ही आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है और मैं बार बार कहता हूं एक गोल्डन बिहेवियर होता है जिसकी टीम ज्यादा बड़ी होगी वो ज्यादा रुपया ज्यादा बड़ा रुपया कमाएगा ये आपके पास मौका है उस बिहेवियर को डेवलप करने का अपनी टीम में वो कल्चर को क्रिएट करने का अपनी टीम में साथ साथ ही कंपनी ने एक दूसरी ऑफर भी दी है इसका नाम है बिजनेस बिल्डर बोनस इसमें कंपनी ने तीन प्रतिशत पुल बनाया है यानी कि कंपनी की जो टोटल टर्नओवर होगी उसमें तीन प्रतिशत पुल इसमें डाल दिया जाएगा अच्छा ये बोधी करके पूरी हिस्ट्री में 26 साल हो गए मोदी केयर को और 26 साल में से तीन साल मुझे हो गए ऐसी प्रमोशन पहले कभी नहीं आई है पहली बार हिस्ट्री में आई है ऐसी प्रमोशन प्रमोशन और जब मैं आपको ये बताऊंगा मेरे को पूरा यकीन है जितने लोग इस रू, इस, इस लोग इस 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 टाइम हम 282 ट्रेनिंग में हैं मैं आपको यकीन दिलाता हूं जैसे ही मैं इस प्रमोशन के बारे में बताना स्टार्ट करूंगा सबके होटो पर स्माइल होगी तो आइए इस प्रमोशन के बारे में बात करते हैं पहले मैं आपको बता दू इस पूल में मैक्सिमम पैसा आप कितना कमा सकते हैं तो मैक्सिमम इसमें एक रुपए तक कमा सकता है, का एक है। इस पूल के अंदर कौन कौन जाएंगे तो मैं आपको बता दू जनवरी मंथ का हमने बेस टाइटल लिया है जनवरी दो जो भी जनवरी दो में डायरेक्टर था सीनियर डायरेक्टर था ईडी था एसिडी था प्लैटिनम था वो लोग ही इस पूल के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो 2022 में जो जनवरी 2022 में प्रेसिडेंशियल क्राउन आरबीडी जीबीडी थे हमने उनको इस पूल से बाहर रखा है तो जो भी लोग इस पूल इस वक्त इस पूरे सेशन में जनवरी में प्रेसिडेंशियल एंड अब थे उनको बुरा मानने की जरूरत नहीं है इस ट्रेनिंग सेशन को छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके लिए एक अच्छी गुड न्यूज ये है कि उनकी टीम में लोग ज्यादा पैसा कमाएंगे तो ये करेगा कैसे काम ये किन को फायदा देगा तो जो जनवरी 2022 में डायरेक्टर था अगर वो मार्च 2022 में भी डायरेक्टर बन जाता है या उससे ऊपर का कोई भी टाइटल अचीव कर लेता है और चालीस हजार पीजी बीबी करता है विद रोलअप विद रोलअप तो लेडीज एंड जेंटमैन वो इस पूल का हिस्सेदार बन सकता है ऐसे ही सीनियर डायरेक्टर ईडी एसडी और प्लेटिनम अगर पैंतीस हजार 30,000 पीजीबीबी या बीस बीस हजार पीजीबीबी करते हैं विद रोलअप तो वो इस पूल का हिस्सेदार बन सकते हैं यहां तक कि अगर कोई न्यू आईडी है या कोई भी एनक्यूडी जो जनवरी बाइस में एनक्यूडी था अगर वो भी क्वालिफाइड डायरेक्टर बन जाता है मार्च दो तो का हिस्सेदार में और चालीस हजार क्या होगा कैसे हम तीस जब हम ये तीन प्रतिशत पुल का में जाएंगे तो हमें फायदा क्या होगा ये बिजनेस बिल्डर बोनस है पुल बनाया गया है जो तीन प्रतिशत इसके नाम पे बन जाइएगा आप अगर क्वालिफाइड डायरेक्टर बनते हैं और आपके नीचे एक लेग है जिसमें बीस हजार रुपए का ग्रुप बीबी पड़ा हुआ है रूलअप पड़ा हुआ है और आपकी जो टीम है अगर वो आप साइड से पीजीबीबी बीस हजार बीस हजार पीजीबीबी साइड से कर रहे हैं और आपने दो नई आईडी लगा रखी है यानी कि आपकी पंद्रह परसेंट से लेकर लेग जो है वो सात परसेंट की लेग है ये आपके पीजीबीबी में आता है तो आपका पीजीबीबी और बीस ये बीस हजार है और बीस हजार आपका रोलअप है तो एडवांटेज क्या हुआ आपका टोटल जो रोलअप बन गया वो चालीस हजार बन गया विद रोलअप चालीस हजार जैसे ही आपका चालीस हजार पीजीबीबी हुआ आप क्वालिफाइड डायरेक्टर बन गए आप इस तीन पूल में चले जाएंगे जैसे ही आप इस तीन पूल में जाएंगे आपको मिलेगा क्या क्या पहले एक क्वालिफाइड डायरेक्टर को मिलता था एबीपी और चार प्रतिशत डायरेक्टर बोनस जो पूल होता था यही बेनिफिट मिलता था अब क्या मिलेगा अब एबीपी मिलेगा पहले आपको परफॉर्मेंस बोनस दूसरा आपको मिलेगा चार प्रतिशत डायरेक्टर बोनस तीसरा आपको मिलेगा एक्टिवाइजेस बोनस क्योंकि आपने दो आईडी भी लगाई है न्यू यानी कि आप अपू वन थाउजेंड रुपीज भी अर्न कर सकते हैं यह एक और अपॉर्चुनिटी आपके पास साथ ही साथ आप इस बिजनेस बिल्डर बोनस में तीन प्रतिशत पूल के भागीदार भी बन सकते हैं क्योंकि आपने विद रोलअप चालीस हजार पीजी बीबी कर लिया है तो आप इस तीन प्रतिशत पूल के भी भागीदार बनेंगे तो आपके पास पूरा मौका है अपने चेक पर बीस से पच्चीस प्रतिशत मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं अपने चेक पर बीस से प्रतिशत बीस से पच्चीस प्रतिशत चेक बढ़ाने का तो इसीलिए मैंने कहा था मार्च पे चांस मारने का पूरा मौका है अभी नहीं किया तो हम कभी नहीं कर पाएंगे मैंने जैसे कहा मार्च हमेशा क्रुशल होता है हमारे लिए भी क्रुशल है तो इसकी अपॉर्चुनिटी को ग्रैप कीजिए और अपने चेक में 20 से 25 प्रतिशत जंप लेके जाइए क्योंकि इसमें प्रेजिडेंशियल से लेकर कोई भी डायमंड ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर तक नहीं है तो आपके पास बड़ा मौका है पैसा कमाने का दूसरी चीज हम दो लोग हैं हम एक टीम है और आपका और हमारा सिर्फ एक ही ड्रीम है कि हम ज्यादा पैसा कमा सके ताकि अपने गोल्स पूरे कर पाए और अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो इसके लिए बहुत जरूरी है हम एक टीम की तरफ बिहेव करें तो एक टीम एक ड्रीम

तो हम ज्यादा पैसा कमाएंगे विद टीम सो इसलिए मार्च महीने को बड़ा महीना बनाइए और अप्रैल में अपने अकाउंट में 20 से 25 प्रतिशत एक्स्ट्रा जंप लेकर अपना चेक इन कैश कीजिए मोदी से। सो थैंक यू थैंक यू सो मच एंड इज ओवर टू यू मैम थैंक यू सो मच सर और इतने अच्छे से ऑफर जब हमारे ट्रेनर हमें ऑफर्स बताते हैं तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाती है क्योंकि हमारे जो ट्रेनर है बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ हमें समझाते हैं सो so, सारे ऑफर्स हमें सभी लोगों को और मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं और अभी इसका हम सभी लोग बहुत अच्छे से बेनिफिट उठाएंगे मार्च महीने को सो थैंक यू सो वेरी मच सर थैंक यू सो वेरी मच थैंक यू सो मच सो इसी के साथ आज का ये सेशन हम यहाँ पर एंड करेंगे और विश यू ऑल द बेस्ट हैव ए ग्रेट डे बाय बाय